अभी ये कहा कि जीव समझ नहीं पाया, जीव समझ नहीं पाता है, ये आया था दुनिया में, क्यों आया था नहीं पता इसको बेचारे को। लेकिन वो तो अभागे जीव हैं जिनको गुरु नहीं मिला, जिनको कोई बताने वाला समझाने वाला रह भर नहीं मिला, और जिनको मुर्शिद पूरा मिल गया, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, संकेत दे दिया, रास्ता बता दिया उसका कि जिससे हम बिछड़ के आए थे, जिससे जाके मिल लेंगे, तो इन संसारी दुखों से, इन मेर तेर की भावनाओं से, और ये दुनियादारी की जितनी आपत्तियां हैं, विपत्तियां हैं, कष्ट हैं, इन सब से छुटकारा मिल जाता है। आप देखो जिन सुखों को सुख मानते हो, क्या वो सुख सताई हैं? क्या ये संसार के पदार्थ जो हम देखते हैं, क्या हमें वो सुख दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अरे सुख कौन देगा जब वो जीव बेचारा शरीर से भी दुखी है, कोई रोगी हो जाता है, शिकायत करता है कि मेरे शरीर में दर्द है, मैं चल नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकता, मुझे ठीक सुनाई नहीं देता, मेरा ये अंग काम नहीं करता, मेरा वो नहीं करता, उससे भी ये जीव दुखी है। जो शरीर मिला है, सुंदर से सुंदर है इंसानी जिस्म, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अव्यर्था मत खोवो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे। एक ही काम है जीव का तो, कि शब्द मार्गी गुरु को ढूंढ ले। क्या इस चीज को कभी हम सोचते हैं कि हमने ये तन दुर्लभ पाया? नहीं सोचते। अरे जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी इस चीज के लिए ललायत हैं, प्रयासरत हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। जब उनसे देखो, उनको भी सुख दुख है, देवता भी खुश नहीं है, लेकिन दुनियादारे अंधे हैं, उनको भी पूजते हैं, पूज के उनसे मन्नत मांगते हैं। देवता हैं वो, देने वाले हैं वो, देंगे कौन सी चीजें देंगे? संसार की चीजें। संसार की चीजें क्या हैं? स्थाई नहीं है, जो स्थाई नहीं उसमें सुख नहीं है, दुख है। स्थाई तो एक सत्य है, परमात्मा है, शब्द है, उसको मांगना नहीं जानते, उसको पहचानते नहीं है, और ना उसकी खोज करते हैं। इसलिए जो चीज से हमारी सारी कामनाएं पूरी होती हैं, वो कल्प वृक्ष आपके अंदर है, वो काम धेनु गाय आपके अंदर है, लेकिन उसका तरीका भी बता दिया फिर भी कि हम लोग अपनी बुद्धि से, अपने मन से, मन के गुलाम हैं। आज देखो, छोटी सी एक बात बताता हूं, काम करना ही नहीं चाहते हम, जिसके जिम्मे काम लगा उस काम को वजन मान के बैठ जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ देखा, करके देखा, गुरु के बताए वचन की पालना की मैंने। एक बार मेरे से भूल हुई थी, वो मैंने स्वीकार करी, सबके सामने स्वीकार की, क्योंकि जब इंसान से कोई गलती होती है और वो सबके सामने जब स्वीकार कर लेता है तो बख्शा जाता है, उसका पाप उसको नहीं रहता। जब भी इंसान को कोई मन से पाप हो जाता है, कोई किसी बात का संदेह हो जाता है गुरु के प्रति, नाम के प्रति, सत्संगी के लिए, तो समझो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मुझे भी एक बार मेरे गुरु से ये हुआ था। क्यों हुआ था? कि महाराज जी ने मेरे को ये कह दिया एक बार कि तेरी समझ में एक किताब नहीं आएगी। मैं किताब पढ़ने लग गया था। कहाँ पढ़ने लग गया था? कि मैं सत्संगी नहीं बना था जब तक। सत्संगी ना बनने का मतलब है मैंने दीक्षा नहीं ली थी। हुशियारपुर सत्संग में जाया करते थे, लेकिन महाराज जी के पास मैं आना शुरू हो गया था जब तक निपट अनाड़ी और संसारी आदमी था। निपट अनाड़ी का मतलब संत मत को नहीं जानता था, संसारी संसार को सत्य मानता था। वहां से आता था तो मजे लेने के लिए ही आता था, मैं देखना चाहता था है क्या। तो हुशियारपुर जाना था, मेरे को भी कहने लगे कि हुशियारपुर जाएगा। मैंने सोचा तेरा किराया भाड़ा नहीं लगना, साथ वालों ने कह दिया तुझे तेरा किराया नहीं लगेगा, खुश हो गया मैं। आज वो चीज़ मुश्किल नहीं है लोगों के लिए, पैसा है। उस जमाने में, आज से कब की बात है, 45 साल पुरानी बात है, उस जमाने में किराया देने में भी संकोच करते थे, जेब की तरफ देखते थे। मैंने सोचा किराया नहीं देना पड़ेगा, अच्छा घूम के आएगा, दो दिन बाहर रहेगा, चल। साथ वालों ने कह दिया कि ना किराया लगे, ठाट से दो तीन दिन रुक के आएगा, सत्संग सुन के आना,
सत्संग से तो क्या मतलब था, लेकिन वो बात मुझे पसंद आई कि किराया नहीं देना पड़ेगा और घूम के आऊँगा। चलो जी, गया मैं होशियारपुर में। बाबा फकीर चंद होते थे, बहुत ही अनुभवी संत थे। अपने गुरु से नाम की दीक्षा लेके नाम की वो कमाई की, अगर उनका तो एक एक लफ्ज़ भी, अगर जिस इंसान ने उनके दर्शन भी किए ने और सच्चाई के साथ जो उनके बताए मार्ग पर चला, उस जीवन का मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनका पार उतारा हो गया कि वो मोक्ष में चले जाएंगे, ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर हो गया कि उनका ये सांसारिक जीवन ज़रूर सफल हो गया, क्योंकि इतने अनुभवी थे कि हर बात को उन्होंने इतनी गहराई से और इतनी अच्छाई और सच्चाई से पेश किया कि जो भी बात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी अपनाई उसको प्रैक्टिकल रूप दिया, मूर्त रूप दिया, उसको करके देखा, अमली जामा पहनाया उसको। तो मैं भी गया था, महर्षि शिवरतलाल जी अपनी पीढ़ी में महाराजियों के दादा गुरु हुए हैं, हजूर महाराज के शिष्य थे, 6,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें लिखी, 6-7 भाषाओं के ज्ञाता थे, बड़ी डिग्रियां थी उनके पास, MA, LL.D, DLET थे वो, और अपने मत में पढ़े लिखे बहुत हुए हैं महाराजियों को छोड़ के, लेकिन महाराजियों का मुकाबला इसलिए नहीं कि वो सबसे संत थे, एक बात, नंबर 2 बाल ब्रह्मचारी थे, नंबर 3 वो धुरधाम से इसी काम के लिए आए थे। एक संत होता है सबसे संत, एक होता है बनाया हुआ। सबसे संत धुर से संत का रूप लेके आता है, और जो बनाया हुआ होता है वो संत अपने गद्दी नशीन को अपनी रूहानी दौलत सौंप के जाते हैं, ताकि जिससे संसार के जीवों के कल्याण का जो क्रिया है वो जारी रहे। तो मैं भी वहाँ से और लोग ले रहे थे किताब, मैंने भी 1-2 ले ली। क्यों ले ली? वो भी बड़ी सस्ती सस्ती थी, वो 4-4, 8-8 आने में किताब मिलती थी। मैंने वो ले ली, लेके वापसी में आए तो लुधियाना रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे, और लोग तो आराम से महाराजियों के आसपास बैठे थे। मैं नया नया तो वैसे भी था, मैं उनके पास ना बैठ के किताब लेके एक अलग से खम्बा जो होता है शेड बनेवड़ी का होता है, उसमें चारों तरफ एक चौतरा सा बना हुआ था, उस पर बैठ गया, और उस पर बैठ के मैं अकेला किताब को देखने लग गया। तो महाराज जी उनको छोड़ के सबको वहीं बैठा छोड़ के, 5-10 जो भी थे, अब मेरे पास आ गए और आके कहने लगे क्या करता है। मैं बोला जी, आहिस्ता से बोला, मैं किताब देखूंगा। बोला तेरी समझ में नहीं आएगी। जब ये बात कही मुझे बड़ा दुख हुआ, आप तो गुरुमुख हो ना, गुरु के जो प्यारे होते हैं वो गुरु की निंदा नहीं सुन सकते, गुरु की बात की अवहेलना नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो गुरु भक्त नहीं है, वो गुरुमुख नहीं है। गुरुमुख वो है जो गुरु की आज्ञा में बरतता है, गुरु की गलत सही बात को सही मानता है, गुरु जो भी कहता है उसमें अपना भला सोचता है, जानता है कि गुरु ने मेरी बेहतरी के लिए ये बात कही है। लेकिन मुझ में ये बात नहीं थी जब तक, क्यों, मैं गुरुमुख नहीं था, दीक्षा नहीं ली थी। मुझे उस बात का बड़ा दुख होया। दुख क्यों होया? अहम था मुझे पढ़ाई का, पढ़ा लिखा था, MA कर रखी थी, BEd कर रखी थी, मास्टर था। मैंने सोचा मैं खुद तो अनपढ़ है, तेरे को कहता है तेरी समझ में नहीं आएगी, मेरी समझ में नहीं आएगी थी, इनको कैसे समझ आती है, बस इतनी बात थी। वो बात मेरे वैसे तो मन में बहुत दुख था, लेकिन जब काफ़ी दिन हो गए, नाम की दीक्षा, ऐसी घटनाएं इंसान कभी भूलता है जिंदगी में, कभी भूलता है, मैं भूलता नहीं हूँ। असल तो ऐसी बातें जो भी हुई, जहाँ भी मुझे, जिस हाल में भी मुझे, इस प्रकृति ने, इंसानों ने, संसार ने ठोकर लगी, तो भी मुझे शिक्षा मिली, और ये मेरी हमेशा से नीति रही कि हर इंसान से, हर चीज़ से, हर इस प्रकृति के पदार्थ से मैंने कुछ ना कुछ ग्रहण करने का हमेशा कोशिश की। अब भी अगर मैं बच्चों से भी बात करता हूँ, मैं उनसे भी कुछ ना कुछ लेता हूँ। ये लेने का, प्रकृति से शिक्षा का, सुधार का, अच्छी बातों का सिलसिला ख़त्म नहीं होता है कभी भी, क्योंकि ज्ञान का कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है उसका। इसीलिए तो हमारे वेदों को लिखने के बाद में लिख दिया, नहीं थी, ज्ञान के यथा भंडार हैं, लेकिन वो लिखने के बाद भी उसमें नीचे लिख दिया कि इति नहीं है, ये अंत नहीं है, ये ज्ञान का सब कुछ नहीं लिखा गया है, अभी बहुत बाकी है।
इसका मतलब यह है कि वो कभी खत्म होता नहीं है, और जो इंसान लेने वाला होता है ना, वो हर चीज से लेता है, प्रकृति की हर चीज इंसान को देती है। अब आज ये गर्मी है, यहाँ सत्संग आप सुनते हो, ये भी आपको सहन करने की शक्ति दे रही है। अगर आपको अपना खुद का काम करना हो तो आप बाहर भी नहीं निकलोगे इतनी गर्मी में, मैं भी नहीं निकलूंगा। लेकिन देखो इस काम के लिए हम सब के सब कितने चुप, बिना किसी शोर शराबे के सब कुछ यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? कुछ ग्रहण करने की हमारे अंदर एक लालसा है, चाह है। तो जब वो बात मेरे दिल में, मैं कहता हूँ हमेशा बनी रही, आज भी वो बात मुझे कभी कभी जब याद आती है, जब चिंतन करते हुए पुराने किताब के पन्ने खोलता हूँ तो बहुत सी घटनाएं, हर एक इंसान के जीवन की घटना सबके सामने आती हैं। लेकिन मैं उन घटनाओं को आप लोगों को एक शिक्षा के रूप में प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आप भी उनसे सुन के लाभ उठा सकें। इसलिए नहीं कि मेरी वो बात थी, नहीं, मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि इंसान में अहंकार किसी न किसी रूप में जगह बनाए बैठा है, और वो उसको खराब करता है। जब इंसान खाली होता है तो ज़्यादा खराब करता है। आज दुनिया के अंदर बुद्ध मत, बुद्ध को हुए 5000 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन आज भी बुद्ध मत फैलता जा रहा है, उसका फैलाने वाला भी नहीं है। महात्मा बुद्ध जो देह रूप में आए थे, चाहे वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका मत दुनिया में आज जाके देखो फैलता जा रहा है। क्यों फैलता जा रहा है? सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे कि जब भी भक्ति करने का सब समय नहीं होता है, ये नहीं, आराम करने का भी होता है, बैठने का भी होता है, खाने का भी होता है, मनोरंजन का भी होता है, जरूरत है ये शरीर की। लेकिन एक तो अच्छे ढंग से उनको आदमी ग्रहण करता है, एक उनको बेकार रूप में जो जिससे नुकसान भी कर लेता है और उन चीज़ों के लिए उपहास भी बन जाता है। नहीं, उन चीज़ों को प्रयोग करो, लेकिन प्रयोग कितने तक करो? जितने तक उससे तुम्हें लाभ मिलता है। अगर अति में जाओगे तो अति हर चीज़ की खराब कर देती है। सीधी सादी भाषा में अपने लोग भी यहाँ की आम बोली में बात है कि अति का भला न बरसना, अति की भली न चुप, अति का भला न सोना, अति की भली न धूप। ना अति की धूप ज़्यादा अच्छी है, ना ज़्यादा बरसना अच्छा है, ना कम बरसना अच्छा है, ना ज़्यादा बोलना अच्छा है, ना कम बोलना अच्छा है। इसका मतलब जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना इंसान को बोलना ही चाहिए। ये शायद रामकृष्ण भी होगा, ये गांव अभी बैठा है उस टाइम का, रामकृष्ण था उस टाइम में हमारा खास साथी, जाता हम जाते थे, लेकिन इन्होंने नाम ले रखे था, मैंने बाद में लिया है, ये मेरे से बड़े हैं इस बात में। तो बात क्या, वही बात, जब मैंने नाम लिया तो जैसे आकाश में उड़ता हुआ धड़ाम देसी गिर जाता है, जैसे दर्पण में इंसान अपना चेहरा देख के उसकी औकात पता लग जाता है, इसी प्रकार से मैं जब नाम की दीक्षा ली, मेरा आईना मुझे ही दिखाई दिया कि वाक्य में मैं गलत था और वो सत्य थे। क्यों? जो प्राविद्या है, आध्यात्मिकता है, जो सत्य है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो किताबों में नहीं है, वो बातों में नहीं है, वो डिग्रियों में नहीं है, वो किस चीज़ में? अभ्यास में है। जो इंसान अभ्यास करता है उसको अनुभव होता है, वो अनुभवी ज्ञान कहीं भी नहीं है। इसलिए उन लफ्ज़ों को तो हर कोई पढ़ लेगा, दूसरी तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी उन पुस्तकों को पढ़ लेगा, लेकिन उन पुस्तकों को जिस ख्याल से लिखा गया उस ख्याल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। लिखने वाले का ख्याल कुछ और होता है, पढ़ने वाले का कुछ ख्याल होता है, सुनने वाले का अलग होता है। एक ही बात एक ही समय में अनेक अर्थ उसके निकलते हैं, बच्चा उस अर्थ को नहीं समझता। जब मुझे पता लगा इस चीज का, तो इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। चिंतन जब करते हो, ये जो बाहर की इंद्रियां हमें लगी हैं, बाहर के पदार्थों का, संसार की चीजों के बारे में तो बता देंगी, लेकिन जो पराविद्या है, जो इस जीव के काम आने वाली चीज है, जिसके कारण इस जीव को ये बंधन पड़े हुए हैं, बेचारा अपने कर्मों के बस होके और ये कर्म भोगता है। लेकिन जो भाग्यशाली जीव हैं, जिनको गुरु प्राप्त हुआ है, सत्संग मिला है और नाम की दीक्षा जिनको मिल चुकी है, वो अभागे नहीं है। संतों ने उन्हीं को चेताया है, उन्हीं के लिए कहा, भई प्राप्त, नानक साहब ने भी कहा उसी तरह जो स्वामी जी महाराज ने कहा, वो कहते हैं भई प्राप्त मानस देहरिया, गोविंद मिलन की ये त्रिवरिया,
और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। के साधों का संग कर और केवल नाम भज। अब नाम भजने की जो मैंने बताई थी वो बात बीच में रह गई थी कि महात्मा बुद्ध जी की बात में कह रहा था। अपने शिष्यों को वो ऐसी शिक्षा देते थे, आज भी ढिंडोरा पीटते हैं, हम भी सब कह देते हैं कि काम दुश्मन है इस जीव का, क्रोध दुश्मन है, लोभ दुश्मन है, मोह दुश्मन है, अहंकार दुश्मन है। अरे ढोल की आवाज पीट पीट के सब कहते हैं कि ये पांच दोष हैं, ये पांच दुश्मन हैं, ये पांच विकार हैं, ये इस जीव को अधोगति में ले जाते हैं, इसको रास्ते से भटकाते हैं। परंतु रास्ता कोई नहीं बताता इनसे बचने का। क्या बताने वाले उनसे बचे हुए हैं क्या? नहीं, उनका रास्ता बुद्ध ने बताया। उनका बुद्ध नाम नहीं था, बुद्ध नाम उनका जब पड़ा था जब उनको ज्ञान हुआ था। उनको जब ये ज्ञान हुआ था, असलियत की पहचान हुई थी, तब उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ था। बुद्ध के जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया, और ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो सारी दुर्बुद्धि इंसान की चली जाती है। तो वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे कि जब तक तुम नाम का अभ्यास करते हो, ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, योग करते हो, कोई भी साधना करते हो करो, लेकिन वो करने के बाद भी तो अपने आप को खाली ना रखो। जो इंसान काम नहीं करता है, खुद का काम नहीं करता है, खुद का काम नहीं हो तो कोई भी काम करने के लिए अगर नहीं हो तो और काम बहुत से होते हैं। तो उन्होंने उनकी क्या ड्यूटी लगाई, उन्होंने उनको कह दिया कि तुम पत्थर को तराशा करो, और पत्थर में भी क्या तराशो, मोतियों को तराशा करो। अब कितनी सख्त चट्टान होती है, जब भी वो खाली होते थे सब के सब लेके औजार और उन पत्थरों में वो मूर्तियां तराशनी शुरू कर देते थे। मूर्तियां तराशने का मतलब, एक तो उनको समय उनमें बहुत लगता था, और वो तराशने के अंदर दूसरी कहानी ये थी कि उनके दिल के अंदर जो तस्वीर है वो पत्थर पर उतार सकते थे, और उनके लिए उनको कितना एकाग्र चित्त होना पड़ता था। जब इन चीजों में अपने मन को लगा देते थे, उनको दूसरे पदार्थों के अंदर भटकने की जरूरत ही नहीं रहती थी। उनके मन के अंदर दूसरा चिंतन नहीं होता था, या तो ख्याल होता था नाम का या सत्संग का या उस मूर्ति को तराशने का। तो मूर्ति किसको तराशेगा जो इंसान के दिल में ख्याल होगा? या तो अपने गुरु की तराशेंगे या किसी और देवता की या खुद की, जो भी तराशेंगे उनके दिल में जो तस्वीर है उसी को बाहर निकालेंगे। हमारे ख्यालात के अनुसार हमारे विचार होते हैं, हमारे विचार ही बाहर आके वो काम का रूप लेते हैं। जैसे हमारे ख्याल हैं वैसा ही हम काम करके भी दिखाते हैं। इसलिए मैं ये कहता था कि आप लोग सत्संग सुनते तो हो, लेकिन सुनने के बाद जब गुणते नहीं हो और उनका एकांत में जाके जब तक चिंतन नहीं करते हो तो सत्संग का लाभ नहीं होगा। सत्संग का लाभ जितना सुनने से होता है, ठीक है, उनके सुनने से जो भूल पड़ी हुई है, जो थोड़ा बहुत इंसान का मन भटका हुआ है, जो ऐसी वैसी चीज़ों में हमने इसको लगा दिया है कि जिसके कारण संसार की चीज़ों को अच्छा समझने लगे हैं और सोचते हैं क्यों जीवन बर्बाद किया, लेकिन असल बर्बादी जिन चीज़ों में होती है उस चीज़ को जब समझ पाते हैं कि जब हम उस चिंतन में जाते हैं।